अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे अपने टेलर शॉप या मेंस बुटीक या वुमेंस बुटीक में हम कस्टमर के ऑर्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं और उनका साइजेस कैसे अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, हम इसके लॉगिन बाय यूज़र भी जा सकते हैं और एक्सेस कोड के थ्रू भी जा सकते हैं। हम एक्सेस कोड के थ्रू एंटर होते हैं हमारी कैशरिंग स्क्रीन या नॉर होम स्क्रीन है, जहाँ पे हम बेसिक्स काम करते हैं अपने ऑर्डर लेने के लिए। हमारे इन्वेंट्री सेक्स टैब में एक ऑर्डर कियोस्क का ऑप्शन है, इस पे हम जाके हम ऑर्डर बना सकते हैं न्यू, या कोई कोई पेंडिंग ऑर्डर है उसका स्टेटस चेंज या रिसीव उसको मैनेज कर सकते हैं। हम न्यू करते हैं, न्यू करने के बाद यहाँ से हमें कस्टमर नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है, या कोई आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको न्यू कस्टमर बनाना है आप न्यू कस्टमर ही बना सकते हैं। जाहिद भुट्टो को मैंने सिलेक्ट कर लिया कस्टमर। फिर यहाँ पर उसने आपका स्टेटस देना है कि बुक करेगी या कैंसिल किया, वो जो भी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप उसका आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसने क्या बनवाना है, क्या करवाना है, शरिंग चार्जेस है, स्टिचिंग चार्जेस है, शर्ट करवानी है, सलवार करवानी है। मैंने सिंपली एक शर्ट ले ली। शर्ट की आप यहाँ से प्राइस जो है ना रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में जो आपने सेव की होगी प्रोडक्ट आइटम करवाते हुए वो आएगी। तो हमने यहाँ से इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा डिज़ाइन बनाना है। आप यहाँ से न्यू डिज़ाइन भी कर सकते हैं या कस्टमाइज़ करवाना चाहें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक सिलेक्ट स्टाइल कर लिया। सिलेक्ट स्टाइल करने के बाद इसके बराबर में एक साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ जब भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास टैब ओपन हो गया, यहाँ से न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने शर्ट डाल दिया। रीसेट ग्रेड वो डिफ़ॉल्ट डेटा करना है। उसके बाद यहाँ पर लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हाइट, अब यहाँ पर आपको उसकी वैल्यूज़ देनी है, उसकी लेंथ क्या है, चेस्ट क्या है और वेस्ट क्या है। सिंपली मैंने जो ना 45 कर दी, चेस्ट मैंने कर दिया 23 कर दी, मैंने चेस्ट वेट वेस्ट मैंने कर दी 23। इस तरीके से आप जो है ना वैल्यूज डाल सकते हैं। उसके बाद साइड पॉकेट कितनी है, बहुत है तो दोनों साइड को, बाकी और भी सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव करना है कि यहाँ पे एक आपके पास सेव हो गया। आपको यहाँ से कट करके सिंपली ऐड रिकॉर्ड इन ग्रेड करना है, जो भी आपका आइटम था जिस साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन और साइज़ वगैरह वो सब यहाँ पर अब मैनेज हो गया। उसके बाद आपने सिंपली जो है ना यहाँ से सेव करना है, या आपको सेव एंड जनरेट बारकोड करना है। बारकोड इसलिए निकलता है ताकि आप अपने कस्टमर के कपड़े पे लगा सकें, और बाद में जब वो कपड़े पे स्कैन करेंगे तो कस्टमर का सारा डेटा आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ से सेव करते हैं। अब ये पूछता है आपसे वुड यू लाइक टू रिसीव एडवांस, कस्टमर को एडवांस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर दें, और कितना देना चाहता है वो आप यहाँ पे देख लें। इसका 1400 का 1400 का बिल बना है तो हम यहाँ से इसे 700 एडवांस रिसीव कर लेते हैं। इसने यहाँ पे हमने सेव किया, सेव करने वाले ये पूछा आपको रिसिप्ट चाहिए कि नहीं, हमने रिसिप्ट के लिए यस किया तो यहाँ पे हमारे पास रिसिप्ट प्रिंट हो गई जाएगी। ये हमारे पास रिसिप्ट आ गई कि इसने 1400 का सामान लिया, 700 एडवांस दे दिया, इसके बैलेंस 700 बचे। ठीक है, अब हम चलते हैं जब ये कस्टमर आता है हमारे पास कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, जब उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसको सेल कैसे करना है। तो यहाँ से कैशिंग स्क्रीन पर हम कैशिंग स्क्रीन के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर का ऑप्शन है, ऑर्डर सेलेक्ट किया। ऑर्डर हमारे पास यहाँ जाहिद भुट्टो का था, ये हमने यहाँ से जाहिद भुट्टो सेलेक्ट कर लिया। जाहिद भुट्टो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका हमारे पास आ गया कि क्वान्टिटी 1 थी, 1400 अमाउंट थी। यहाँ पर थंब का ऑप्शन है, ये सेल ऑप्शन है। सेल ऑप्शन पे भी जाने के बाद यहाँ पे सब आपको बता देगा कि सब टोटल इतना और एडवांस इसने 700 ले लिए, रिमेनिंग 700 बचिए। तो यहाँ से आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं कि इसने 1000 रुपीज़ दी, आपको एक सीन में 300 रुपये देने। या इसके कस्टमर डायरेक्ट में मैनेज करना चाहें आप लेजर में मैनेज कर सकते हैं डायरेक्ट 700। फिर कैश सेल करना चाहें तो कैश सेल आप यहाँ पर कर सकते हैं, और बाकी यहाँ से आपको ओके करेंगे तो यहाँ से आपकी सेल हो जाएगी। यहाँ से आपको रिसिप्ट प्रिंट करनी है दोबारा से, तो आप यहाँ से दोबारा से रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास रिसिप्ट प्रिंट हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको वन क्लिक के प्योर सॉफ्टवेयर में कस्टमर के साइज़ डिज़ाइन कैसे मैनेज करना है वो सब समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।